एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डन टाइम। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, थंबनेल मैंने दिया हुआ है कि मेरी 7 मंथ की प्रेगनेंसी थी जब मैंने सीटेट क्लियर किया हुआ था, और मैंने घर पे रह के सेल्फ स्टडी से पूरे घर को मैनेज करते हुए मैंने एक अच्छे मार्क्स से मैंने सीटेट क्लियर किया था। तो मैं 100% श्योर हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं जो हाउसवाइफ हैं, पूरे घर को संभाल रही हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि अपनी बेबी को संभाल रही हैं, कुछ प्रेगनेंसी, मतलब ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें बहुत से लोग इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, इतने वर्क करने के बाद भी काफ़ी कुछ अचीव कर पा रही हैं। तो ऐसे कुछ मेरे साथ भी था। मेरी भी आफ्टर मैरिज, पहले बिफोर मैरिज मैंने थोड़ी बहुत सीटेट की प्रिपरेशन कर रखी थी, उसके बाद शादी हो गई। मेरी शादी होने के बाद के तुरंत बाद मेरा प्रेगनेंसी का सीन हो गया। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है। 1-2 महीने मेरे ऐसे ही गुजरते गए। फिर मुझे मेरे माइंड में आता कि मैं पढ़े पढ़े क्या करूँगी, आखिर में मेरी एजुकेशन है, क्या मतलब इस एजुकेशन का, मुझे कुछ करना है लाइफ में। माइंड में ये सब चीज़ें आई तो मैंने सेटेट का पूरा फिर से वही अपनी स्टडी स्टार्ट करने की ट्राई की मैंने। तो सेटेट का सिलेबस मेरे पास पहले से था, मुझे पता था कि क्या टॉपिक्स आते हैं। अब ये था कि जो भी टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स के बारे में मुझे पहले नॉलेज था। जब मैंने 2 ईयर मेरा फिर गैप हुआ है उसके बीच में, 2 ईयर गैपिंग के बाद मुझे सारा कुछ भूल चुका था, मैं सारा कुछ फॉरगेट कर चुकी थी। टॉपिक तो पता था कि जीन पे ऐसे है, CDP का, जैसे थोड़ा सा साइकोलॉजी मेरी ज़्यादा अच्छी है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो उसमें जैसे जीन प्याजे है तो ये तो पता है कि जीन प्याजे से क्वेश्चन आते हैं, बट उनकी क्या थ्योरी थी, क्या था, मतलब ये सब सारी चीज़ें मैं भूल चुकी हुई थी। मैंने एक तरह से मेरा पूरा बेस स्टार्ट हुआ, इस बेस से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना। और 7 मंथ की प्रेगनेंसी थी, जो में से सीनियर होंगी उनको तो पता ही होगा अच्छी तरह से कि कितनी प्रॉब्लम्स होने लगती है धीरे धीरे। और पूरे घर को भी मैं मैनेज करती थी, हस्बैंड को ऑफिस जाना, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सब लोग ऑफिस जाते थे मेरे लिए, मेरे यहाँ। तो सबके लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना, लंच कंप्लीट करना, ये सब करने के बाद खुद की केयर करना, उसके बाद घर की पूरी, मुझे घर में ना डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग, मतलब डेली ही पसंद है मुझे। बिल्कुल भी सामान इधर बिखरा बिल्कुल पसंद नहीं है, बट डेली डस्टिंग, क्लीनिंग, ये सब डेली करती थी। इन सब कामों के बाद मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाती थी जिससे कि मैं अपने स्टडी के लिए भी टाइम निकाल सकूं। और इसमें मैं बता दूं कि मैंने खुद से नोट्स क्रिएट कर रखे थे, मैंने अपने नोट्स में से ही मैंने क्वालिफाई किया है। मैंने थोड़ा बहुत बुक भी मैंने 2-4 पर्चेस की थी, बट ये मानिए कि एक बुक, एक जैसे कहते ना कि गार्डनेंस होती है ना, तो थोड़ा बहुत बुक्स थी मेरी। और मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर रखी थी, ना पहले की थी ना बाद में की थी, मैंने घर पे जो भी किया घर से स्टडी किया। और मेरा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए, जो हाँ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर करना, प्रीवियस ईयर पेपर, 4-5 ईयर पुराने आप पेपर्स ले लो, उनको सॉल्व करो, उनसे टॉपिक निकालो और सिलेबस उनसे आप खुद क्रिएट करो। उसके बाद मैंने यही सब कुछ किया था, मैंने खुद से सिलेबस क्रिएट किया था, मेरे सारे पेपर सॉल्व किए थे। तो अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आप लोग करते रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताओगे कि अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं पूरी हेल्प करूँगी। मैंने कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी, कैसे मैंने नोट्स क्रिएट किए थे, कैसे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर सकती हूँ, उसको शेयर करूँगी, उसको विथ एग्जांपल्स समझाऊँगी। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको
क्या आपको मेरे द्वारा नोट्स प्रोवाइड, जो मैंने नोट्स बनाए थे, क्या मैं अपने नोट्स से आपको आगे पढ़ाऊँ, आगे कुछ बताऊँ? अगर आपको ऐसी कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो मैं मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आप लोग चाह रहे हो कि मैंने जो किया, मैंने जो फॉलो किया, वो चीज़ें मैं आप तक शेयर कर सकूँ। तो सो प्लीज़ गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जैसा भी सपोर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगी, कोशिश करूंगी एजुकेशन पे सारी वीडियोस डालूं और सारा कुछ उसमें टॉपिक वाइज सारे क्लियर करूं, अपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊं, सारे कुछ अपने इसी चैनल में, और जो भी टॉपिक्स हैं सारे के टॉपिक्स डीपली टच करूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।